हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनेशिया। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है और जैसे कि हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट से हुई बातचीत उसका कोई भी हल नहीं निकला और जो किसान भाई लोग हैं वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और इसी बीच में क्या हो रहा है कि देश में जो बहुत बड़ी बड़ी महान हस्ती हैं, जो हमारे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स हैं या कवि हैं, वो अपने अवार्ड्स को रिटर्न करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस प्लेयर सज्जन सिंह चिम्मा ने अपना अर्जुन अवार्ड लौटाने की बात की है और अपने साथ 30 और प्लेयर्स को साथ में मिलाया है किसानों के समर्थन के लिए। अब देखिए, इसी दौरान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज के बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी इसी काम पर आ चुके हैं, जिन्होंने फार्म प्रोटेस्ट इस एग्रीटेशन को बहुत ही समर्थन दिया है और कहा है कि बहुत सही कदम है, जिसमें से जस्टिन ट्रूडो जो कि भारत में आए थे 2018 में और उनको वार्म वेलकम नहीं किया गया भारत में, तो उनको भी ये मौका मिल गया अपना यहाँ पर फायदा उठाने का। तो जस्टिन ट्रूडो ने भी इसी मौके पे देखिए आकर कह दिया कि हम ये जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम उसके समर्थन में हैं। I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protest by farmers. The situation is concerning and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. और इसी बीच में पाकिस्तान भी पीछे कैसे रह जाए और पाकिस्तान ने भी अपने आगे यहाँ पर कड़वे तेवर दिखा दिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जिसकी मीटिंग 27 और 29 नवंबर तक चली, उस मीटिंग में देखिए पाकिस्तान ने ये कहा कि उसका मेन प्रॉपर एजेंडा क्या था कि वहाँ पर कश्मीर मुद्दा उठाया जाए। और इसी बीच में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन एक जो इंटरनेशनल ग्रुप है 57 कंट्रीज का, और ये जो 57 कंट्रीज है ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, और देखिए इसका थीम क्या है, द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का बेनिफिट उठाया है पाकिस्तान ने और भारत पे निशाना साधते हुए OIC के थ्रू भारत को कश्मीर मुद्दे पे घेरने की कोशिश की है। तो उनको पता है कि भारत में फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है और ये बहुत अच्छा मौका है कि भारत के ऊपर एक और प्रेशर डाला जाए। अब इस चीज को जो OIC के थ्रू भारत के ऊपर डाला गया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्योरली क्रिटिसाइज किया है। तो देखिए इसमें क्या मुद्दा है, क्या OIC है, तो इसके बारे में हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका थीम है कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। तो देखिए ये जो OIC है ये क्या करता है, ये पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका बनाया एक संगठन है। अगर कहीं पर मुस्लिम पॉपुलेशन को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उनके बिहाफ पे वॉइस उठाएंगे, ठीक है, ये उनके बिहाफ पे बात करेंगे। तो पाकिस्तान को लगता है कि भारत में जो कश्मीरी लोग हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा तानाशाही की जा रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, और जो पिछले साल जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया था उसको रिपील किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्लस जो बाबरी मस्जिद वाला केस था उसमें जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट आया उसके अगेंस्ट भी उन्होंने इस आवाज उठाने की बात की है। उन्होंने जो इस समय ये बात उठाई है वो स्पेशली दिख रहा है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि कोई गलत एक्टिविटी इंडिया परफॉर्म करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया ने स्ट्रिक्टली और क्लियरली इसको कंडेम किया है, क्रिटिसाइज किया है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, कोई इसका तुक नहीं बन रहा, कोई रिजल्ट नहीं है इसका, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हम पर ऐसे, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक गलत तरीके से पाकिस्तान ट्राई कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें OIC की बात करते हैं तो ये 57 कंट्रीज का ग्रुप है, 57 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, और इसमें सारे के सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको सऊदी अरेबिया जेदा में मिलेगा। तो देखिए मेन मुद्दा है क्या, इस साल 47th सेशन हुआ था OIC का नाइजर के न्यामे में, ठीक है, वहां पर 47th इसका मीटिंग हुआ। तो उस मीटिंग में जो मेन इसका एजेंडा था जो पाकिस्तान करवाना चाहती थी वो यही थी कि जो कि इवन दो OIC के सारे मेंबर्स नहीं चाहते थे, बट इसका जो फाउंडिंग मेंबर्स में आता है पाकिस्तान, तो उसकी वजह से ये मुद्दा आगे रखना पड़ा। तो पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया कि जो भारत में जम्मू कश्मीर रीजन है वहां पर जो स्पेशल स्टेटस था उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपील किया, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां की डेमोग्राफिक और जियोग्राफिकल कंडीशंस जो है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है, वहां के जो लोग हैं
उनके बिहेवियर चेंज आएगा तो उससे क्या होगा, वो अपने बेसिक ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो ब्लॉकेड किया गया है यहाँ पर, इंटरनेट फैसिलिटीज को रोका गया है और बहुत सारी सर्विसेज को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉप कर रही है, रोक रही है, इसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहां से बार बार पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा उठाने का यही मतलब है कि वो सिर्फ इस प्रोपेगेंडा को फैलाना चाह रहा है कि भारत में कश्मीरियों का बुरा सिचुएशन है, बुरा कंडीशंस हैं, और पाकिस्तान को और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो वो बार बार कश्मीर इशू को बीच में लेकर आ रहा है। तो यहां पर हमें ये चीज कैसे पता लग रही है, क्योंकि इसमें ओआईसी के और भी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस मुद्दे में, इवन दो वो भारत का साथ ही देते हैं और उनके साथ जो भारत के रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। तो भारत को ओआईसी की ये जो स्टेटमेंट है, भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने डायरेक्ट इसको डिक्लेयर कर दिया है। सो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री इज डिस्क्राइब्ड इट एज फैक्चुअली इनकोरेक्ट एंड अनवॉरंटेड। तो ये ध्यान रखना कि हमारी गवर्नमेंट ने तो पूरा डिक्लेयर कर दिया ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। वैसे ऑलरेडी पाकिस्तान के ये बार बार एजेंडा जो कश्मीर वाला था ओआईसी ऑलरेडी बहुत बार रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन इस बार उसका दोबारा ये उठाने पे ओआईसी ने ये बात की है कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन इंडिया ने स्ट्रिक्टली इसको क्रिटिसाइज किया है। अगर हम ध्यान से देखें पिछले एक साल से पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज को साथ में जोड़ने लगा हुआ है और इंडिया के अगेंस्ट कोई ना कोई प्लानिंग करने में लगा रहता है। जैसे कई बार उन्होंने टर्की को साथ मांगा, मलेशिया का साथ मांगा, सऊदी अरेबिया, यूएई सभी के साथ में वो लगा रहता है कि कैसे वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर सके और इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें रिलेशंस की बात करें, इंडिया सऊदी अरेबिया, इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं, वेयर एज सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ही कह दिया कि आपने जो हमसे लोन लिया है वो टाइम पर भुगताएं। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से उल्टा पाकिस्तान को ही पड़ रहा है जो इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए ओआईसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां पर देखिए एक और बात निकल कर आएगी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहती है, वो है ओआईसी ग्रुप पूरा। ठीक है, ओआईसी जो ग्रुप है इसमें 57 मेंबर्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं। और यहां पर एक और पॉइंट ये आता है कि हमारे इंडिया में 15% के करीब जो पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम पॉपुलेशन, और दुनिया की जो 10-11% तक आबादी बनती है। सो दुनिया की 10% के करीब अगर हम देखें मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है, तो इसमें देखिए कि इंडिया का उसका मेंबर बनना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम्स रहते हैं, तो इंडिया का भी ओआईसी का मेंबर होना जरूरी है। तो इंडिया को हमेशा से क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इंडिया ओआईसी का मेंबर बने। तो यहां पर यह भी आपने याद रखना है, इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं है, और इसका इंटरनेशनल प्रेशर भारत पे पाकिस्तान की तरफ से डालने की कोशिश की जाती है। तो देखिए यहां पर इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है ओआईसी को कि दीज आर टोटली इनकोरेक्ट एंड अनवॉरंटेड, तो यहां पर इंडिया को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो वो बात ऐसे है कि क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पे जो निशाना साधा है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर साधा है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ऊपर ह्यूमन राइट्स की बात की जाएगी, जैसे कि अभी हाल ही में भारत में फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और पिछले साल जैसे हमने देखा था एनआरसी, सीएए, फिर उसके बाद दिल्ली राइट्स भी हुए, फिर तबलीगी जमात वाला इशू आया, तो इन सब इवेंट्स में अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो सभी में देखा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, और ये चीज हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है। तो इससे क्या होगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इमेज हमारी बनाने की कोशिश भी की जा रही है और बन भी रही है काफी, क्योंकि देश में ऐसी एक्टिविटीज हुई भी हैं जिसकी वजह से हमारी इमेज खराब हो सकती है। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट होंगे यूएसए के, तो इन्होंने क्या करना है, ये ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ है। ठीक है, तो हमारे रिलेशंस जो अमेरिका के साथ अच्छे बनने हैं, बेहतरीन बनने हैं, तो उसमें ये चीज, ये इमेज बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। तो यहां पर बार बार क्रिटिसाइज करना पाकिस्तान का, और हमें यहां पर इमेज भी एक सही रखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले एक साल में बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज हो चुकी हैं। वेयर एज फ्रॉम 1 जनवरी 2021 इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू ओवरटेक एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और बहुत ही जल्दी हम इसके मतलब नॉन परमानेंट मेंबर में शामिल होने वाले हैं 1 जनवरी से। तो ये सारी चीजें हमें भी ध्यान रखनी है। वेयर एज दूसरी तरफ देखा जाए ओआईसी के काफी मेंबर्स भारत को सपोर्ट भी करते हैं, है ना, तो वो हम जानते हैं, जैसे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश देखा जाए, मालदीव्स देखा जाए, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई की तो बात हम कर चुके हैं,
तो वेयर एज टर्की मलेशिया ये अपने बायलेटरल रिलेशंस तो रख ही रहे हैं लेकिन कुछ बातों में पाकिस्तान का साथ भी दे रहे हैं, तो ये पॉइंट्स कुछ हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। लेकिन क्या हमारे लिए OIC पूरा नेगेटिव है? ऐसा कुछ भी नहीं है। 2018 की बात की जाए, 2018 के सेशन में बांग्लादेश ने OIC में कहा था कि इंडिया को एक ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा देना चाहिए क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है, तो बांग्लादेश भी इंडिया के सपोर्ट में है। 2019 में भारत ने पहली बार एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे अपीयरेंस की थी OIC की मीटिंग में, ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है भारत के, और ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी क्योंकि उन समयों में पुलवामा अटैक भारत पे हुआ था तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे, और उस समय पुलवामा अटैक हुआ तो उसी समय हम अगर एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं OIC की मीटिंग में, मतलब हमारे लिए तो डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी ही थी। वेयर एज 2017 में क्राउन प्रिंस ऑफ UAE भारत के 68th रिपब्लिक डे पे गेस्ट भी थे, तो भारत के चीफ गेस्ट बने UAE के क्राउन प्रिंस, तो ये हमारे लिए एक और एक संकेत है कि वहाँ के काफी, मतलब OIC के काफी मेंबर भारत के एक अच्छे रिलेशन बना रहे हैं भारत के साथ और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो हमारे लिए ये जो पाकिस्तान ने एक तरीके से जो हमारे ऊपर एक वार किया है, इसको हमें एक ऐसे संकेत लेना चाहिए कि पाकिस्तान पूरा फायदा उठाना चाहता है कि भारत में जो अभी इनस्टेबिलिटी है ड्यू टू फार्म प्रोटेस्ट, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है पाकिस्तान, तो उसका कोई असर नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये देश की खुद की प्रॉब्लम है, हम खुद उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रॉपरली देखेगी, फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, समर्थन में है काफी पॉपुलेशन, तो गवर्नमेंट भी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी, लेकिन हमें किसी और कंट्री के बहकावे में नहीं आना और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे प्रेशर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ही डिसीजन लेगी। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपने बताना है यूरोप में से एक कंट्री है जो OIC का मेंबर है, वो आप बताएंगे। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल पनेशिया ट्यूटर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।